हजारों नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो, हमें देवन बबीना विधानसभा का चुनाव चर्चा करने के लिए आज हम आ चुके हैं भरतपुरा के अंदर। भरतपुरा में देखो जब गली जा रही पूरे गांव के लाल, तो हम जैसे इस गांव के अंदर आए तो सर्वप्रथम जो मेन रोड है यहां पे बहुत लोग आगे में ताप रहे, क्योंकि ठंड को केयर बहुत ज़्यादा है आज, क्योंकि सब लोग बाग अपने अपने चलम में आते मस्त यहाँ के ग्रामीणवासी और सब अपना आनंद मंगल ले रहे थे। सब लोग खड़े कायदे से जानत किया करके काम मचो। दादा राम राम, जय राम जी साहब, जय राम। भरतपुरा में 4.5 साल तो हाँ भरतपुरा में खड़े साहब, जो सब जने भरतपुरा में है और जाके जेल मीटिंग ले रहे। भाव का 4.5 साल बीत गए, काम भाव का नहीं भाव। हाँ हाँ 4.5 साल बीत गए साहब, मैं तो कोई लाभ का मालूम नहीं है। हाँ। वैसे मेरे तो ख्याल ऐसी है कि काऊ काऊ की तो पेंसिलें इकट्ठी धरी। कहा कह रहे हाँ की हम लाए जेल आए दिखाइयो देखो 11 साल मिल चुकी। अच्छा, और पेंसिल कटी है? कट गई। और अब भी हम प्रयास कर रहे हैं कि देखें कौन ने कटवाई, का भाव मृतक लिखा था और का लिखा। सरकार कैसी चाहिए 22 में? है सरकार तो हमें बहन जी की चाहिए। अच्छा, हाँ उन पर भरोसा है? उनका भरोसा इतना है कि 4 काम उतने बहुत अच्छे करे उनने, जो कि एक तो गुंडागर्दी भी खत्म करी थी। हाँ। और एक हमारी जमीन निकलो तो 8 बीघा को पट्टो, कम से कम 20 साल दबोरा जो उन कड़वाओ। जब पीछे आगा भज्जा दूध वाले भैया सब जगह घूमत हुई का भज्जा राम राम, सब जगह घूमत हुई। अब तो पूरा काम हाल चल रहा पूरे बबीना में? पूरे बबीना में यही चल रहा है कि देखो विकास चाहिए हर आदमी को है, जो विकास नहीं होती तो जनता भागती है। अब हमारे यहाँ का ये रोड देखिए, कम से कम 5 गाँव पड़ते दिखा दो करेनिया देखो पूरे भैया आए दूध से सब बता रहे। 5 गाँव के लोग यहाँ पर निकलते हैं, पूरा रोड बेकार डला है। चौमासों में इतनी समस्या होती है, गांव के आदमी निकलते हैं यहाँ पे और अगर कोई बीमार हो गया तो चिड़कवा नहीं पहुँच पाएगा, इतनी बुरा सड़क हो गई है। अच्छा, इस सड़क का भी निर्माण चुनाव आगे को करवा पे सड़क को बोला ठीक हो जाने चाहिए। वैसे ठीक होना चाहिए, देखो ऐसा है कि जिसकी सरकार वही करा सकता है। कहाँ नहीं करवा पा बताओ, 4.5 साल तो हो गए। अब हम लोग तो ये है ना कि इसलिए बता पा रहे हैं कि सरकार मोदी की थी। हैं अब नहीं डाला रोड, उन्हें तो उन्हें विकास कराना चाहिए थी। अब अंग्रेजी सरकार दूसरी कोई आए उसको वोट देंगे, वो विकास करा सकती तो उसी को देंगे। जाओ जे खड़े हुआ बीच में सब बैठे कर दादा राम राम। राम राम। क्या हो रहा जो भरतपुरा में? भरतपुरा में तो मट्टी कुट रही साहब। मट्टी कुट रही सड़क है तो ज्यादा रही उखरी, खम्मा है मेडरे टूटे सब टूटे 4 साल से। फिर चुनाव आ गए 22 में? 22 में आ गए तो जो करा है सो बहन जी गई खोदे हैं हम लोग तो वोट। कहाँ कह रहे और कहे मुझे बता दें, भरतपुरा के अंदर जैसी हम आज रोड की हालत बहुत सख्ता है, रोड के अंदर इतनी खराब रोड है, अगर जा गांव के अंदर जनी मांस की डिलीवरी होने हो तो रास्ते ही में हो जाए जाकीकत है जा गांव के अंदर। और भी लोग खड़े कायदे से ब्रजेश कुमार हकीकत लोग बता रहा हूँ, हमने बता दी हकीकत यही है, सच्चाई यही है, सबको दिखाई दे रही है, कोई सुनने वाला नहीं यहाँ पे। इतनी सरकारें आई कोई सही काम करके नहीं, भरोसा करवे जा रहे भैया। सरकार आएगी भरोसा किस पे करें ये तो नहीं बता सकते आप, नहीं बता सकते नहीं। चलो कोई बात नहीं, जे खड़े दादा दादा कहा हो रहा कचू नहीं हो रहा, ठंड में काँप रहा तुम तो कहा है बताओ कहा हो तुम्हारा गाँव में? सब आनंद। कई सरकार चाहिए देखो जो और जनी मानते सब आ गए हमारे बीच में बात करवे। भाई राम राम। राम राम। गोला तो माशाल्लाह है आपके गांव को रोड। हाँ। बताओ घर सुनना नहीं पाऊ, हमारे दुआएं तो ऐसा पानी भर के गया नहीं, हमें बहुत परेशान। भाई 2 महीना बाद चुनाव आ गए, कैसी सरकार चाहिए? हमें चर्चित बहन जी की बहन जी ना, हमारी पेंशन वाली ना कछू बंदे बताओ को आ रहा, ना आवास है ना कछू है। बताओ कई सरकार चाहिए तुम्हें, चुनाव तो आ गए बहन जी की। अच्छा जमा भाई साहब आगे इनसे जाना, जो गांव के अंदर हकीकत का है भाई साहब, जो गांव के अंदर भरतपुरा में क्या चल रहा है, जो लोग वह कह रहे रोड नंजा सड़क खराब है। तो आप भी तो खड़े हैं? हम भी खड़े हैं मोते से देख के, आप पूरी रोड वास्तव में बहुत तो खराब है। तो सुल्तानपुरा से भरतपुरा तक खराब है भाई साहब, जो 4.5 साल होगा आखिरकार जो भाई साहब जो क्लियरिटी का नहीं हो पाई बरसात की वजह से उखड़ जाती है बरसात की वजह से। अच्छा जी 2 महीने बाद चुनाव की थोड़ी चर्चा कर ले, कहा है माहौल का चल रहा बबीरा विधानसभा में? राजनीति के बारे में नहीं। चलो चलो हाँ बीच में और भी लोग खड़े हैं, इनसे सबसे जाना आगे कर मचो कहा है जा गांव के अंदर। दादा थोड़ा खड़े हो जाओ, नंबर चलो चलो देखो सब लोग कह रहे हैं तुम हो जाओ खड़े, तुम हो जाओ खड़े तो हो जाओ। भाई बात है जो विकास करेगा भाई के साथ है, हमारा नाम तो बताओ नहीं, जसरत लल्ला के संगे है हम लोग। लल्ला जी बताओ आपसे कह रहे हैं हम, जो गांव के अंदर का मचो जो मचो के तुम देख रहे कींचा पड़ी सब बेखाड़े हैं इधर गांव। अच्छा कोई सुनाई नहीं है। अच्छा ये चुनाव समीकरण कैसा बैठ रहा है गांव के अंदर, कैसी सरकार होनी, कैसा प्रत्याशी? जो हमारा बहन जी है उसी के साथ हैं हम लोग। भैया आप युवा हो इसी गांव के हो? हाँ भैया इसी गांव के हैं, बचपन से रह रहे हैं? बचपन से रह रहे हैं। जो गांव के अंदर
और का इस गांव के अंदर कुछ भी ऐसी स्थिति है, यहाँ पानी वानी हर जगह बहता है, और पहले सपाई गवर्नमेंट थी तो बालू खनन होता था इधर पूरा रोड, इसीलिए खराब हो जाता है, और अब भाजपा है तो भी यहाँ खनन हो रहा है इसलिए वो रोड खराब होता है, गाँव वाले परेशान होते हैं, और इस सरकार में बहुत गुंडियाई है। हम लोग तो बहन जी को वोट करेंगे इस बार। हाँ अच्छा, आपको बता दें जो भरतपुरा है, भरतपुरा के अंदर और लोग भाग आते जा रहे हैं, इनसे भी जानते हैं। भाई साहब दो मिनट के लिए समय दो, अब काम मचो जो भरतपुरा के अंदर। भरतपुरा की है, आप बाहर के हो? बाहर की। कौन से गांव के हो? करगुआ की के। हाँ, जहाँ कल आप गए थे। तो करगुआ भी तो बबीना विधानसभा में है। बबीना विधानसभा, बिल्कुल। हम बबीना विधानसभा को सर्वे कर रहे हैं, जो मचो का है गाँव के अंदर। अब गाँव की अंदर तो हमने देखा नहीं है क्या है। करगुआ में बता दो, करगुआ में। करगुआ में तो बहुत धांधली चल रही है, गुंडा राज। गुंडा राज सरकार चाहिए, जब चलंग आ जाओ। सरकार चाहिए जो साफ सुथरी हो, किसानों के और आम पब्लिक के, जो दलित वर्ग के हैं उन लोगों को सहयोग करे। भरोसा कर रहा है कि नहीं कर रहा काउ पे? किसी पे? अब वैसे तो बीजेपी नहीं आनी चाहिए, बाकी कोई भी आ जाए। कोई भी आ जाए भैया, जो कह रहा है बीजेपी नहीं आनी चाहिए, कोई भी आ जाए। चलो जो और खड़े लोग भाग, इनसे भी चर्चा हो जाए कि आखिर का जो मचो का है। काबज्जा काना काना भैया, हम ही बता के गए ना, ब्रजेश कुमार। और लोग खड़े हैं बीच में, इनसे भी जाना। दादा जी खड़े, इनसे जाना। दादा काना है तुम? तुम तो उन्ना खूब डटे हो, खूब ठंडा मर रहा है। सरकार अबे तो कोनो कोनो दे देती, मार नहीं रही सरकार, दे देती कमरा में मरा सो, अपने ठंड भड़क जाती। अब तो भाई कोई कोई कछु निकाल रहा। दादा पर बताओ कैसी सरकार आए जा बार, तो सरकार आवे भाई जो अपना काम बनावे। की पे है भरोसा? भरोसा बहन जी बहन से बने, उन्हें पे भरोसा है। और काऊ बने जा, साइकिल चली आ रही पीछे से, हाथ को पंजाबी लगो। अबे तक ना हमारी पैर से बनी ना कछु बने बेरे अपने अपने पहले ठंडे के बाद। दादा तुम बताओ अबे कछु कह रहे हो तुम, हकीकत का है? क्या कह रहे हैं? हकीकत तो आएगी कि 4.5 साल हो गई सरकार को, मंडा चालू नहीं भाओ। क्या कह रहे हो? सो जा से आदमी को दिक्कत बढ़ रही, हम तुम्हें बताएं। ठीक है फिर, कैसी सरकार? सरकार ऐसी चाचे के मुंडा हाथ में हो, काम जरूरत पे हो जाए, बस जा से जी सरकार। अबे अबे हो नहीं रही, अबे नहीं हो रही जा सरकार में, कोई सुना ही नहीं रहो। नहीं सुन रहा? हाँ कौन सरकार में हो पे भरोसा? अब जब कौन ऐसी सरकार आ जाए सो हो जी। अच्छा बता दे जो है भरतपुरा, ये सब लोग हमारे बीच में भाई खड़ी, इनसे जाना जो मचो का है गाँव के अंदर। कहा माता जी, कहा होगा काना हो? माता जी काना हो? भगवती भाई जो गाँव के अंदर का समस्या है तुम्हारे गाँव में? जाने हम को लेते रहते हैं। आपको बता दें जो तो भरतपुरा, इन सब लोगों से चर्चा हो गई, अपनी बात को करें समापन। बबीना विधानसभा का भरतपुरा गांव इतना सुंदर गांव है, परंतु इस गांव के अंदर समस्याओं का अंबार है, रोड की पानी की सब लोगों की समस्या सबसे हो गई चर्चा। अब अपनी बात को करें समापन। कैमरा मैन के साथ देवेंद्र कुमार संवाददाता, देव न्यूज झांसी।